हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज हम पढ़ेंगे कुछ सेंटेंसेस इन जर्मन, लर्न जर्मन विद मी। इवन लेवल का ही पैराग्राफ रीडिंग करेंगे, लेसन रीडिंग टेक्स्ट। बहुत दिनों से रीडिंग नहीं करी हमने, टेक्स्ट है उसको रीड करेंगे, उसके बेसिस पे 4 क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके लिख देना। तो पैराग्राफ राइटिंग है, रीड करेंगे, समझेंगे डिफिकल्ट वर्ड्स को, और आप इसको नोट भी कर सकते हो। उसके बाद वन बाय वन क्वेश्चन देखेंगे, उनके आंसर भी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देख रहे हो। तो पहले हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं एक बार, उससे इजी हो जाएगा समझना। और पैराग्राफ पढ़ने के बाद फिर हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चंस पहले पुट अप हो चुके हैं। तो पैराग्राफ है वोहिन फेयर फैमिली वागनर, फैमिली के बारे में। फैमिली ने अपना ट्रिप जो है प्लान किया है, एक टूर प्लान किया है, तो उसी के बारे में ये पैराग्राफ है। A1 लेवल का ये जो पैराग्राफ है उसका जो लेवल है, जो डिफिकल्टी लेवल है वो A1 है। तो बहुत सिंपल वोकैबुलरी यूज की, आप भी देख सकते हो, राइटिंग स्किल्स आप इंप्रूव कर सकते हो। तो देखते हैं हम किस तरह से इसको स्टार्ट किया है। देखिए, फैमिली वागनर प्लांट ईयर एंड ओरलाउ, मींस फैमिली वागनर इज प्लानिंग देयर हॉलीडे, वो अपना हॉलीडे प्लान कर रही है। ठीक है, जी गेट इन आई राइज ए ब्यूरो, जी यहाँ पे कौन है, फैमिली वागनर, वो कहाँ जा रहे हैं, राइज ए ब्यूरो में जा रहे हैं, एक ट्रेवल एंड टूरिज्म के ऑफिस में। आपको पता है जब हम कोई भी अपना टूर पैकेज लेते हैं तो राइज ए ब्यूरो होता है, उसको बोलते हैं राइज ए ब्यूरो, जहाँ पे हम ट्रेवल एंड टूरिज्म की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पूरा पैकेज मिलता है हमको, फ्लाइट से लेकर रहना स्टे और वापसी तक का पूरा प्लान करते हैं राइज ए ब्यूरो वाले, मतलब ट्रेवल ऑफिस, ट्रेवल एंड टूरिज्म। ठीक है, जी गेट इन आई राइज ए ब्यूरो, वो राइज ए ब्यूरो में जाते हैं। उन लेस्ट डिश फोन आइटम आंगे स्टेल्टन बिराटन, लेस्ट डिश मींस दे लेट देमसेल्व्स, किस लिए, बिराटन एडवाइस के लिए, दे गो टू द राइज ए ब्यूरो फोन आइटम आंगे स्टेल्टन, यहाँ पे आंगे स्टेल्टन मींस एम्प्लॉय, राइज ए ब्यूरो के एजेंट होते हैं, उनसे एडवाइस लेने के लिए वो लोग जा रहे हैं। सेंटेंस देखिए किस तरह से बना है, लेस्ट डिश लास्टन वर्ब है, दे लेट देमसेल्व्स टू गाइड, उन्होंने अपने आप को गाइडेंस दिलवाई इस तरह से। तो जर्मन में ऐसे लिखते हैं, दे लेस्ट डिश फोन आइनम आंगस्टेल्टन बिराटन एम्प्लॉय, आंगस्टेल्टन मींस एम्प्लॉय, यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है आंगस्टेल्टन, बिराटन एडवाइस, तो एडवाइस के लिए वो राइज ए ब्यूरो में गए हैं, क्योंकि उनको नहीं पता। हमें से भी काफी लोग होते हैं जिन्हें हमें ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन मिलती, हम राइज ए ब्यूरो में जाते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, पूरा पैकेज देखते हैं, समझते हैं, और फिर प्लान करके आगे बढ़ते हैं। तो बिराटन वर्ब एडवाइस देना, तो राइज ए ब्यूरो में गए हूँ, आंगस्टेल्टन एम्प्लॉय से मिले, वहाँ पे एजेंट से मिले हैं, जी म्योस्टे नाक बर्लिन राइजन, जी कौन है यहाँ पे, डी फैमिली, जो फैमिली दे वुड लाइक टू गो टू बर्लिन, जी म्योस्टे नाक बर्लिन राइजन, ठीक है, दे वुड लाइक टू गो, दे वुड लाइक टू ट्रेवल टू बर्लिन, फैमिली वागनर बुक आई एम फ्लूक नाक बर्लिन, फैमिली वागनर है बुकन, वर्ब है बुकन, बुकन मतलब बुक करना, उन्हें बुक कराया, आई एम फ्लूक, एक फ्लाइट बुक करिए कहाँ की, बर्लिन की, ओके, दे बुक फ्लाइट टू बर्लिन, उन्हें बर्लिन जाना है और वहां पे उन्हें फ्लाइट बुक करिए, जी बुक स्वाइस सिमर इन एन फिल्म स्टारने होटल आमस्ट्रांड, जी बुक, तो यहाँ पे जी दोबारा कौन है, फैमिली, उन्होंने क्या बुक किया, स्वाइस सिमर, दो रूम उन्होंने बुक करे इन एन फिल्म स्टारने होटल, एक 5-स्टार होटल में, फिल्म स्टारने होटल, माफ करेंगे आप ये वर्ड, 5-स्टार होटल में दो रूम बुक करें, आमस्ट्रांड मींस एट बीच, जो होटल की लोकेशन है वो क्या है, स्ट्रांड, बीच के पास, एट द बीच, आमस्ट्रांड बोलते हैं। The family fared with Ian Biden Kinder in taxi zum Flughafen. यहाँ पे fared एवं लाउट आएगा। The family is traveling going with their both kids. Biden means both, means they have two children, two kids. तो उनके साथ वो जा रहे हैं in taxi, taxi के साथ, taxi के अंदर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, zum Flughafen, airport. तो यानी कि वो flight से जाएंगे, airport जा रहे हैं अपने दोनों kids के साथ, taxi में। फैमिली वागनर हार्ट फील गेपैक दबाए, दबाए मतलब गिर जाए, फील गेपैक, गेपैक होता है लगेज, सूटकेस, दे हैव लॉट ऑफ सूटकेस, दोस लॉट ऑफ लगेज विद देम, दबाए मींस विद देम। अभी हमारा फ्रागर है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, वो इन फेयर फैमिली वागनर, फैमिली वागनर कहाँ जाए, नाक बर्लिन, ये हमने पढ़ा है ऊपर, नाक बर्लिन, तो आंसर ऑलरेडी आपने देख लिया है। तो फैमिली वागनर
फेयर ना बर्लिन, आप पूरा आंसर इस तरह से लिखोगे, फॉर्मली वागनर फेयर ना बर्लिन, सेंटेंस फॉर्मेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, वो ब्लाइट डी फॉर्मली हियर, ब्लाइट मीन्स टू स्टे, फैमिली कहाँ स्टे करेगी, हमने देखा था इम फिल्म स्टार ने होटल और इम होटल, होटल में स्टे करेगी, ब्लाइट मीन्स स्टे, सो दे आर स्टेइंग इन अ होटल। नेक्स्ट वी फेयर डी फॉर्मली ना बर्लिन, वी फेयर मीन्स कैसे जाएंगे वो बर्लिन, हाउ डू दे गो टू बर्लिन, मिडे फ्लुक्स आए, हमने देखा था एयरपोर्ट पे गए टैक्सी में, ठीक है, इन टैक्सी सुन फ्लूगाफन, फ्लूगाफन क्या होता है एयरपोर्ट, तो वहां पे क्या मिलेगी फ्लाइट, तो मिडेम फ्लुक्सॉय, फ्लुक्सॉय मींस एरोप्लेन, प्लेन से जाएंगे, मिड डे बाय एरोप्लेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वी फील ए किंडर हार्ट डी फैमिली, हाउ मेनी किड्स हैव द फैमिली, कितने किड्स है फैमिली, कितने बच्चे होंगे, कितने किड्स है, बाइडन किंडर, बाइडन मींस बोथ, दो चिल्ड्रन, सो स्वाय किंडर डी फैमिली हार्ट स्वाय किंडर, इस तरह से पूरा सेंटेंस बनेगा। तो आपने देखा किस तरह से हमने सेंटेंस फॉर्मेशन किया, क्वेश्चंस भी देखे, आंसर्स भी देखे, एक टेक्स्ट को रिव्यू किया, आई होप आपको पसंद आया हुआ टेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको कमेंट करना, इस तरह के रीडिंग टेक्स्ट मैं लेवल वाइज लेवल जरूर लाऊंगा आपके लिए, A1, A2, B1, B2 लेवल तक हम करेंगे टेक्स्ट रीडिंग लेसन, इससे आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होगी और डेफिनेटली आपकी राइटिंग और रीडिंग स्किल्स काफी अच्छे से इंप्रूव होगी, डिफिकल्ट वर्ड्स को आप नोट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।